हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने कर्मों के कारण ही कांग्रेस अब बैनर पोस्टर में सिमट कर रह जाएगी। सांसद दिया कुमारी। लोकसभा क्षेत्र में सांसद का लगातार चौथे दिन जनसंपर्क व आम सभाएं। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की स्पष्ट नीतियां और सुशासन है, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों का पुलिंदा आम जन के सामने स्पष्ट है। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के आधार पर ही आम जन ने गांव की कमान भारतीय जनता पार्टी को सौंपने का मन बना लिया है। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के पालू कला रियाबड़ी व जस नगर में आयोजित चुनावी सभा में सांसद दिया कुमारी ने कहा कि लॉकडाउन के समय भी राज्य सरकार की लापरवाही से लाखों लोगों को असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा। अगर केंद्र सरकार सहायता नहीं करती तो सभी को लंबे समय तक संकट से गुजरना पड़ता। कोरोना काल में जनता के लिए राशन की व्यवस्था भी केंद्र सरकार से ही उपलब्ध करवाई थी। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि गहलोत सरकार के पास सिवाय वाहवाही लूटने और मोदी सरकार को कोसने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। अपने कर्मों के कारण ही कांग्रेस पार्टी अब बैनर पोस्टर में सिमट कर रह जाएगी। बिहार चुनाव हो या गुजरात मध्य प्रदेश के उपचुनाव, जिसके साथ चुनाव लड़ा उसकी लुटिया डुबो दी। मीडिया संयोजक मधुप्रकाश लड्डा ने बताया कि प्रातः 11 बजे से चुनावी दौरे की शुरुआत पादू कला से करते हुए सांसद दिया कुमारी ने दियाबड़ी, जस नगर, इंदावड़ में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसभा के दौरान मेड़ता के पूर्व विधायक सूखा राम, प्रदेश उपाध्यक्ष माधो राम, जिला महामंत्री लीलाधर सोनी, राम प्रताप बग्गड़, अभय सिंह, लक्ष्मण कलरू, मोती राम, अभिमन्यु शर्मा, राम निवास लाड़ता, रिया मंडल, अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, राज पुरोहित, छीतर सिंह, कान सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष काना राम, गेंदी राम, बनवारी लाल खंडेलवाल, बाबू सिंह परिहार, पुकराज सोनी, अभिमन्यु शर्मा, पूर्व मंडल महामंत्री मनीष व्यास, जस नगर मंडल अध्यक्ष राम निवास गुजर, मदन राम गौरा, भाजयुमो, जिला उपाध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा, राकेश ताक रियाबड़ी, सरपंच गिरधारी लाल सैनी व पूर्व सरपंच राम गोपाल बाहेती आदि उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।